हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सी अश्वनी पुरोहित। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैंने पावर ग्रिड से क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं आरटीआई एप्लीकेशन के थ्रू। तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं क्योंकि पावर ग्रिड ने आज तक वो चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करी हैं। तो इस बार हम कोशिश कर रहे हैं कि वो आ जाए बाहर, कुछ ट्रांसपेरेंट वे में चीज़ बाहर आए ताकि हम जान सकें कितने स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं। तो मैंने 3-4 क्वेश्चन उनसे पूछे हैं। प्लीज़ डिस्क्लोज द नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाइड फॉर द अबव पोस्ट। इसमें सारे कैंडिडेट हमको पता चल सकेंगे कितने कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं और कैटेगरी वाइज ये डिस्क्लोज करेंगे। किसी का नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे बट नंबर पता चल जाएंगे। हम लोग नाम इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियल होता है, आप नाम किसी का नहीं पूछ सकते हो आरटीआई के थ्रू। प्लीज़ डिस्क्लोज द एग्जाम सिलेबस टॉपिक वाइज ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट। हमने एक और पहल की ताकि टॉपिक वाइज भी हमको पावर ग्रिड, वैसे हमको पता है सिलेबस जो 6 सब्जेक्ट नॉर्मली हर एक पीएसयू पोस्ट है, अकाउंट, कॉस्टिंग, डीडी, ऑडिट, एफएम लॉ, जीएसटी, फिर भी हम और ट्राई कर रहे हैं। जैसे हमें सुनने में आता है दूसरों से कि इकोनॉमिक्स भी आता है, कंप्यूटर तो नॉर्मल चीज़ है, वो बिना पढ़े भी वो चीज़ आप कर सकते हैं। ईआरपी रिलेटेड चीज़ें पूछते हैं उसमें, तो हम एक बार कोशिश कर रहे हैं कि हमें टॉपिक वाइज अगर वो बता देंगे तो बेहतर होगा। हमने आरटीआई एप्लीकेशन में पूछा है और मेरे अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा सा घुमा सकते हैं, इसमें डिस्क्रिशन वो दिखा सकते हैं कि हम सिलेबस नहीं बता सकते, वो डिसिप्लिन का है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन। ये लोग ऐसा बोल सकते हैं आरटीआई एप्लीकेशन में कि प्रोफेशनल डिसिप्लिन का है, प्रोफेशनल डिसिप्लिन से पढ़ लो। अब ये ओपन एंडेड हो जाता है, पर फिर भी हमने कोशिश करी, अगर ये इसमें डिस्क्लोज नहीं करेंगे फिर हम फर्स्ट अपील भी फाइल करेंगे कि आप डिस्क्लोज तो करिए, एटलीस्ट बच्चों को बताइए तो क्या पूछने जा रहे हैं। ओपन एंडेड तो बहुत कुछ हो सकता है। हमने इनसे ये भी पूछा, प्लीज़ डिस्क्लोज द पास्ट ईयर पेपर ऑफ पावर ग्रिड ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट। इसमें चांसेस है कि इसमें ज़रूर घुमा देंगे कि हमारा ड्यूरेशन निकल चुका है तो हम देंगे नहीं, पर फिर भी कुछ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स हैं जो कहती हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इनका इंटेलेक्चुअल राइट आपके पास है ही नहीं, क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी आ चुके हैं पब्लिक डोमेन में, जो एग्ज़ाम दे चुका है बच्चा उसका रिजल्ट भी आ चुका है, पब्लिक डोमेन में भी आ चुके हैं। फिर एक इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट ये दे सकते हैं अगर हम फर्स्ट अपील फाइल करेंगे और दे सकते हैं क्वेश्चन। और फिर हमने पूछा ग्रॉस सैलरी ऑफ द अबव मेंशन पोस्ट, ग्रॉस सैलरी मतलब विदाउट एनी डिडक्शन ग्रॉस सैलरी कितनी होगी। मोटा मोटी इनसे हमने इतने क्वेश्चन पूछे हैं जो बहुत रेलिवेंट थे कि हमें पता चल सके कि कितना बच्चा अप्लाई किया, क्योंकि इतनी कम पोस्ट है, हमें पता चल सकता है कि कितना कॉम्पिटिशन होगा, कितना हमें कॉम्पीट करना मेरे स्टूडेंट्स को। ये बहुत अच्छा पहल की है डेविड गुरु ने कि आपको पता चल सकेगा कितने लोगों ने अप्लाई किया, उस बेसिस पे हम और स्ट्रॉन्ग कर सकते चीज़ें। एग्जाम सिलेबस कोशिश करिए, इन दो क्वेश्चन पे वो अपने डिस्क्रिशनरी लेवल यूज़ कर सकते हैं, बट फिर भी हम अपील भी फाइल करेंगे कि वो क्या बोलते हैं इस चीज़ के लिए। और मैं हर एक पीएसयू में मैंने एप्लीकेशन ऐसी फाइल करके रखी हैं ताकि पता चल सके क्या एक्चुअल हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, क्या उनके टॉपिक वाइज सिलेबस होते हैं, क्या पास के पेपर दे रहे हैं। सब पीएसयू के जितने भी पीएसयू में सब में आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करके रखी है मैंने, तो उसे पता चल सकेगा कि कितने आंसर के सेम क्वेश्चन के क्या क्या आंसर वो दे सकते हैं, फिर हम यहाँ डिस्कस करेंगे। एंड अगर किसी को आरटीआई एप्लीकेशन फाइल करना नहीं आता और फाइल करना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं अगर 10 से 12 लोग हो जाएंगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा कैसे फाइल करते हैं और कैसे कैसे चीज़ें होती हैं। और दूसरा चीज़ होता है पीजी पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर पोर्टल होता है एक, उस पर आप जो पीएम पोर्टल होता है एक्चुअली वो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल बोलते हैं एक्चुअली उसको, तो उसको उस पर कंप्लेंट कैसे रेज करते हैं किसी भी चीज़ की, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा आरटीआई के साथ, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है और काफ़ी यूज़फुल है, इफेक्टिव हैं वो चीज़ें कि हम किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में अपनी ग्रीवांस रेज कर सकते हैं, वो भी जेन्युइन ग्रीवांस हो। आरटीआई हम उनसे अपनी इन्फॉर्मेशन भी निकलवा सकते हैं किसी भी तरीके की कि जो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, तो इस चीज़ को हमको ज़रूर आना चाहिए। तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करिए क्योंकि आपके लाइक से हम होते हैं मोटिवेट। 100 का टारगेट रखिए, 100 लाइक का टारगेट होगा तो नेक्स्ट चीज़ें आएंगी। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।